हेलो एवरीवन इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट असेप्टिक ऑपरेशन एंड कंटेनमेंट इन फर्मेंटर सो असेप्टिक ऑपरेशन और कंटेनमेंट दोनों डिफरेंट टर्म्स हैं असेप्टिक ऑपरेशन का मतलब है प्रोटेक्शन अगेंस्ट द कंटैमिनेशन सपोज करो कि आप क्या कर रहे हो दिस इज़ द फर्मेंटर ठीक है ये हमारा क्या है फर्मेंटर है या बायो रिएक्टर है इसके अंदर क्या है हमारे पास कल्चर है मतलब मीडियम है और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो ग्रो कर रहे हैं एंड वो फर्मेंटेशन रिएक्शन अंदर चल रही है तो असेप्टिक ऑपरेशन का मतलब है कि बाहर से कोई माइक्रोब जो है बाहर से कोई बैक्टीरिया या कोई माइक्रोब इस फर्मेंटर के अंदर ना घुसे तो उसको हम क्या बोल रहे हैं कि कंटेमिनेशन ना हो मतलब बाहर की कोई चीज़ अंदर ना जाए तो उसके लिए हमें कुछ सावधानियाँ बरतनी पड़ेंगी हमें प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे कि बाहर से कोई चीज़ अंदर ना जाए बाहर से कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे रिएक्टर के अंदर ना जाए तो इसको बोलते हैं असेप्टिक ऑपरेशन यानी कि हम क्या कर रहे हैं कॉन्टामिनेशन के अगेंस्ट प्रोटेक्शन कर रहे हैं सो फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपका बायो रिएक्टर है इसके अंदर फर्मेंटेशन चल रही है अब मान लीजिए कि इसके अंदर जो बैक्टीरिया है दैट इज बैसिलस सप्टेलिस बैसिलस सप्टेलस बैक्टीरिया जो है हमने इसके अंदर कल्चर कर रखा है इसके अंदर ग्रो कर रहा है अब अगर बाहर से कोई कॉन्टेमिनेशन आ जाती है मान लीजिए बाहर से इसके अंदर आ गए बेसिलस मेगाटेरियम मेगाटेरियम आ गया और बेसिलस सीरियम भी आ गया और बाकी की जो बैक्टीरियल स्पीशीज़ है वो इसके अंदर आ गई कॉन्टेमिनेशन अगर हो जाती है तो क्या होगा तो ये जो कॉन्टामिनंट्स हैं वो इस बैक्टीरिया के साथ में जो बैक्टीरिया हमारा फोमेंटर के अंदर है उसके साथ में वो फाइट करेंगे फॉर द न्यूट्रिशन ठीक है और ऐसा हो सकता है कि जो आपके कंटेमिनंट है ये जो बाहर से रेड वाले जो बैक्टीरियाज आ रहे हैं वो आउट है, मतलब ग्रो हो सकते हैं मतलब वो हमारे बेसिलस सप्टेलस से ज़्यादा ग्रो हो सकते हैं जिससे कि हमारा जो रियल प्रोडक्ट है वो हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट है वो भी क्या हो जाएगा कंटामिनेट हो जाएगा राइट right? और देर विल बी अननेसेसरी प्रोडक्शन ऑफ मेटाबोलाइट्स ऑल्सो बाई दीज कंटामिनेंट्स। सो बेसिकली असेप्टिक कंडीशन के अंदर हम ये चाहते हैं कि बाहर से कोई कॉन्टामिनेशन हमारे फर्मेंटर के अंदर ना जाए नाउ द नेक्स्ट टर्म इज़ कंटेनमेंट कंटेनमेंट मीन्स प्रिवेंशन ऑफ एस्केप ऑफ वाइबल सेल्स अ फर्मेंटर और डाउनस्ट्रीम इक्विपमेंट सो कंटेनमेंट जो है वो असेप्टिक ऑपरेशन से अलग है इसके लिए आप ऐसे समझिए कि ये हमारा बायोरिएक्टर है ठीक है इसके अंदर फर्मेंटेशन चल रही है ये माइक्रोव्स इसके अंदर है और हमारा बढ़िया से प्रोसेस चल रहा है फर्मेंटेशन चल रही है कंटेनमेंट का मतलब है कि जो अंदर की चीज़ है ना वो अंदर ही रहे मतलब ये जो माइक्रोव्स हैं ये बाहर ना जाए बाहर ना जाए क्योंकि हो सकता है कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स फर्मेंटर के अंदर है वो कुछ टॉक्सिन्स रिलीज़ कर रहे हो वो कुछ हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हो उसके ठीक है माना कि भाई जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म फर्मेंटर के अंदर है वो अच्छे हैं एंजाइम्स बना रहे हैं हॉर्मोन्स बना रहे हैं जो कि हमारे लिए यूज़फुल है इसलिए हमने उसको रिएक्टर के अंदर डाला है फर्मेंटेशन करने के लिए लेकिन ये जो माइक्रोब्स हैं अगर ये बाहर आ जाते हैं तो जो भी वर्कर उस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं उसकी हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा लाइक like, नुकसान होगा इट विल हार्म द ह्यूमन हेल्थ अगर वो एक्सपोज हो जाते हैं बाहर तो कंटेनमेंट का मतलब है कि जो अंदर की चीज़ें ना वो अंदर ही रहे अंदर जो माइक्रोब्स हैं वो अंदर ही रहे वो बाहर ना आए तो दैट इज़ कंटेनमेंट ठीक है अब जो Uh, इसके लिए आप क्या कर सकते हो मतलब कॉन्टामिनेशन को प्रिवेंट करने के लिए असेप्टिक ऑपरेशन आप क्या कर सकते हो स्टेराइल इनोकुलम यूज करो मीडियम स्टेराइल होना चाहिए फर्मेंटर वेसल की प्रॉपर स्टरलाइजेशन करो अब कंटेनमेंट की बात करते हैं अब कंटेनमेंट लेवल ऑफ कंटेनमेंट जो है वो वेरी करता है बेस्ड ऑन द हेजार्ड लेवल ऑफ द ऑर्गेनिज्म मतलब फर्मेंटर के अंदर जो ऑर्गेनिज्म है वो कितना खतरनाक है उसके बेसिस पे जो कंटेनमेंट का लेवल होता है वो डिफरेंट होता है सो so, जो हैज़र्ड लेवल एनालिसिस होता है दैट इज़ बेस्ड ऑन दीज पॉइंट्स सबसे पहले टू नो द पैथोजेनिसिटी ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म कि वो कितना पैथोजेनिक है अगर वो ज़्यादा पैथोजेनिक है तो उसको ज़्यादा कंटेनमेंट uh, की जरूरत पड़ेगी नेक्स्ट इज द विरुलेंस और द लेवल ऑफ पैथोजेनेसिटी ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म कितना विरुलेंट है अगर ज़्यादा विरुलेंट है तो उसके लिए इट इट विल नीड स्ट्रिक्ट कंटेनमेंट उसको स्ट्रिक्ट कंटेनमेंट contain, uh, की हमें ज़रूरत पड़ेगी नेक्स्ट इज द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्ड टू इनिशिएट एन इन्फेक्शन अब देखो कुछ ऐसे माइक्रोब्स होते हैं जो दो तीन हो ना तब भी वो डिजीज़ कॉज कर देंगे कुछ ऐसे होते हैं जो जो कि या सोया से ज़्यादा हो तब जाके वो डिजीज़ कॉज कर सकते हैं तो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है देन रूट ऑफ इन्फेक्शन रूट ऑफ इन्फेक्शन मतलब वो ऑर्गेनिज्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस तरीके से डिजीज़ कॉज कर सकता है जैसे कुछ ऐसे होते हैं जो हवा से फैलते हैं जिसे मतलब उनको डायरेक्ट कॉन्टैक्ट की ज़रूरत नहीं है हवा से ही फैल जाएंगे वो तो उनके लिए हमें और ज़्यादा स्ट्रिक्ट कंटेनमेंट की ज़रूरत पड़ेगी जैसे कोविड है ड्रॉपलेट से फैल जाता है हवा में राइट right, तो उसको डायरेक्ट कॉन्टैक्ट की ज़रूरत नहीं है

दैन द टेक्निक और द प्रोसेस यूज आप कौन सा प्रोसेस यूज कर रहे हो बैच फेड बैच या कंटिन्यूस बैच तो एक क्लोज द सिस्टम है कंटेमिनेशन होने के चांसेस कम है लेकिन जो कंटीन्यूस कल्चर होता है वो ओपन सिस्टम होता है तो वहाँ पर कंटेमिनेशन होने के चांसेस ज्यादा है सो बेज ऑन दीज पॉइंट वी विल नो हाउ हेजर्डियस हाउ डेंजरस दैट माइक्रो ऑर्गैनिज्म इज नाओ टू नो द कंटेमिनेट कंटेनमेंट लेवल ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर हमें पता करना है कंटेनमेंट लेवल कितना चाहिए कंटेनमेंट मतलब जो अंदर की चीज़ है वो अंदर ही रहे प्रिवेंशन ऑफ सेल स्केप फ्रॉम द फमेंटर दैट इज़ कंटेनमेंट अब हमें लेवल पता करना है कि हमें उसको कितना कंटेनमेंट देना पड़ेगा कितना स्ट्रिक्टी हमें उसको कंटेनमेंट देना पड़ेगा तो उसके लिए वी हैव दिस फ्लो चार्ट सबसे पहले जो भी आपका प्रोसेस ऑर्गेनिज्म है मतलब जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके फोमेंटर के अंदर आप ले रहे हो पहले तो आप ये देखिए कि वो जेनेटिकली इंजीनियर्ड है या नॉन जेनेटिकली इंजीनियर्ड है क्योंकि जो जेनेटिकली इंजीनियर्ड माइक्रोब्स होते हैं ना उनको रेगुलेशन और कंटेनमेंट की ज़्यादा जरूरत होती है सोेगुलेशन ऑन कंटेनमेंट लेवल इन द जेनेटिकली इंजीनियर्ड ऑर्गेनिजम इज़ मोर तो यहाँ पर जो कंटेनमेंट लेवल होता है वो ज़्यादा होता है तो आपने ये पता कर लिया उसके बाद अब जो नॉन जेनेटिकली इंजीनियर्ड है माइक्रो ऑर्गेनिज़म फिर आप एनालाइज करोगे उनका हेज़र्ड ग्रुप कि वो कितने ज़्यादा डेंजरस हैं उनको ग्रुप में डिवाइड करेंगे वन टू थ्री फोर दिस ग्रुप्स आर ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग हेजर्ड लेवल हेज़र्ड लेवल मतलब जो मोस्ट डेंजरस वाला है वो लेवल फोर वाला है ग्रुप फोर वाला है तो हमने फिर ग्रुप वन टू थ्री फोर में उसको डिवाइड कर दिया बेस्ड ऑन द इंक्रीजिंग हैजर्ड उसके बाद कंटेनमेंट लेवल हम उसको लाइक जो ग्रुप वन वाला है उसके लिए हम जी आई एल एस पी विच इज़ गुड इंडस्ट्रियल लार्ज स्केल प्रैक्टिस जो भी प्रिकॉशंस हम लेते हैं लैब में नॉर्मल लैब कोट पहनो आई गार्ड्स पहनो तो अच्छे से सैनिटाइज करो हाथों को वैसा हम यहाँ पे प्रिकॉशंस लेंगे जो बेसिक प्रिकॉशंस हैं बाकी लेवल वन uh, फिर जो आपका कंटेनमेंट लेवल वन टू थ्री है यहाँ पे फिर हमारे पास क्या है लेवल वन टू थ्री सो यहाँ पे जो मोस्ट डेंजरस ऑर्गेनिज्म है वो क्या है लेवल फोर वाला है ग्रुप फोर वाला है ऐसे आप क्या करोगे जो जेनेटिकली इंजीनियर्ड ऑर्गेनिजम्स हैं उसको हमने दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया हार्मलेस और पोटेंशियली हार्मफुल मतलब जो खतरनाक नहीं है और जो बहुत खतरनाक है जो हार्मलेस वाला है उसको फिर हमने लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल मतलब कि अगर आपको स्मॉल स्केल प्रोडक्शन करनी है और या फिर आपको लार्ज स्केल प्रोडक्शन करनी है स्मॉल स्केल प्रोडक्शन करनी है तो उसके लिए कोई कंटेनमेंट की ज़रूरत नहीं है लेकिन अगर आपको लार्ज स्केल प्रोडक्शन करनी है तो उसके लिए हमें कंटेनमेंट की ज़रूरत पड़ेगी दैट इज बी वन गुड इंडस्ट्रियल लार्ज स्केल प्रैक्टिस उसके बाद अगर वो ऑर्गेनिज्म हार्मफुल ग्रुप में आता है तो देन आप देखोगे कि वो स्मॉल स्केल प्रोडक्शन पे करना है या लार्ज स्केल प्रोडक्शन पे करना है अगर स्मॉल स्केल प्रोडक्शन करनी है तो देर इज़ नो नीड ऑफ कंटेनमेंट लेकिन अगर आपको लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करनी है तो उसके लिए हमारे पास कंटेनमेंट लेवल्स हैं बी टू बी थ्री बी फोर सो मतलब जैसे जैसे जो लेवल है हम बढ़ाएंगे बेस्ड ऑन द हेजर्ड ऑफ दी दैट माइक्रो ऑर्गेनिज़म वो कितना पैथोजेनिक है जैसे जो हमारा लेवल वन है कंटेनमेंट का जो लेवल वन है उसमें आप बेसिक प्रिकॉशंस ले सकते हो मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म के साथ हम डील कर रहे हैं जिस जो हमारे रिएक्टर के अंदर है वो नॉन पैथोजेनिक है या बहुत कम रिस्क है कि वो इन्फेक्शन कॉज कर सकता है जैसे कि ई कॉल आई है ठीक है तो इसके लिए आप सिंपल जो हमारे नॉर्मल लाइक प्रिकॉशंस हम लेते हैं वो हम लेंगे पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स जैसे लैब कोट लैब कोट का आप इस्तेमाल करें ग्लव्स पहने और जो है आई गार्ड्स पहने अच्छे से हैंड वॉशिंग करें सैनिटाइजर्स का यूज़ करें तो ये सारी चीज़ें सेकेंड लेवल मतलब थोड़ा सा और एडिशनल आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत है एडिशनल प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है जो भी इंडस्ट्री में वो बंदा काम कर रहे हैं, उसको आप ट्रेन कर दीजिए ठीक है उसको ट्रेन किया जाए और उसको मास्क और पी, -पी किट जो है वो पहने और सेल्फ क्लोजिंग डोर्स हों वहाँ पर एंट्री एग्जिट जो है वो स्ट्रिक्टली मॉनिटर की जाए तो यहाँ पे जो हम माइक्रो ऑर्गेनिज़म से डील कर रहे हैं वो कंटेजस तो नहीं है लेकिन वो मॉडरेट पैथोजें्स हैं मतलब माइल्ड डिजीज़ कॉज कर सकते हैं जैसे ऑरियस है अब जो लेवल थ्री आता है लेवल थ्री मतलब अब जो माइक्रोब्स हैं लेवल थ्री के में वो हाईली कंटेजस है ठीक है और वो रेस्पिरेटरी ट्रांसमिशन हो सकता है एंड वो सीरियस डैमेज कॉज कर सकते हैं ह्यूमंस को जैसे कि माइकोबैक्टीरियम बैक्टीरियम तो जो भी बंदा जो भी वर्कर वहाँ पे काम कर रहा है उनको अंडर मेडिकल सर्विलेंस रखा जाए इम्यूनाइजेशन दी जाए मतलब अगर कोई वैक्सीन अवेलेबल है उस माइक्रो ऑर्गैनिज़म के अगेंस्ट तो वो दी जाए प्रॉपर पी पी किट पहने और अपना आई गार्ड्स पहने जो भी अदर बेसिक हैं वो तो हमने करनी ही है जो लेवल फोर आता है वो सबसे ज़्यादा मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म फर्मेंटर के अंदर है वो बहुत ज़्यादा डेंजरस है हाईली डेंजरस है और अगर वो बाहर आ जाता है तो बहुत ज़्यादा डिजीज़ कॉज कर सकता है जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर इबोला वायरस इबोला वायरस जो है दैट इज़ वेरी मच डेंजरस तो अगर आप काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में लाइक फर्मेंटर के अंदर हम ऐसे ऑर्गेनिज्म के साथ डील कर रहे हैं जो कि हाईली डेंजरस है एंड वो एरोजोल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन भी कॉज कर सकता है इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा फेटल हैं डेथ भी हो सकती है सो so यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कंटेनमेंट स्ट्रिक्ट कंटेनमेंट की हमें ज़रूरत पड़ेगी तो जो भी वर्कर वहाँ पे काम कर रहा है वो अच्छे से लाइक जब अंदर आए तो अपना डिकनटेमिनेट हो बाहर जाए तो डिकन्टेमिनेट हो और कपड़े चेंज करके आए प्रॉपर पीपी किट पहने और जो भी वहाँ पे आप्रेटर्स है उसकी प्रॉपर स्टरलाइजेशन हो प्रॉपर लाइक एयर सर्कुलेशन सिस्टम हो उस इंडस्ट्री के अंदर या लैब के अंदर सो एडिकुएट डी सिस्टम हो सेल्फ़ क्लोजिंग डोर्स हो ताकि वो फैले ना तो जो लेवल फोर जैसे जैसे लेवल बढ़ता है इसका मतलब जो हेज़र्ड लेवल दिस मीन्स कि लेवल ऑफ कंटेनमेंट कैसे बढ़ रहे हैं हेज़र्ड के बेसिस पर मतलब कितना ख़तरनाक है आपका माइक्रो ऑर्गैनिज्म उसके बेसिस पे हम कंटेनमेंट का लेवल बढ़ा रहे हैं सो आई होप यू गॉट इट कि असेप्टिक ऑपरेशन का मतलब है कि हम क्या कर रहे हैं प्रोटेक्शन कर रहे हैं अगेंस्ट द कॉन्टेमिनेशन बाहर से कोई चीज़ हमारे फर्मेंटर के अंदर ना जाए बाहर से कोई कॉन्टेमिनेशन ना जाए ताकि जो हमारा प्रोडक्ट यील्ड है वो कम ना हो उसमें कोई कंटैमिनेशन ना आए सेकेंड इस कंटेनमेंट कंटेनमेंट का मतलब है कि जो अंदर की चीज़ें वो अंदर ही रहे बाहर ना आए ताकि वो डिजीज़ कॉज ना करे हार्मफुल इफेक्ट्स ह्यूमन हेल्थ को ना करे So that is containment. So that's all for today. If you like the video, do share it with your friends and subscribe to the channel for more updates. Thank you and have a great day.